नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त लाइफ को जगना। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब देखा होगा तो मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के लिए लोगों को पहुंचाइए और मेरे साथ रोज जुड़े रहें। दोस्तों, मैं आज आपको एक 5 टिप्स देने वाला हूं। वो टिप्स आपके जीवन में अपनाने हैं और ये जब अपनाते हैं आप तो आप एक अच्छे एक इंसान उभर के आते हैं। 5 बातें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है गुस्से के बारे में। दोस्तों, आपको गुस्सा नहीं करना है तो ऐसी जो 5 जगह है वहाँ पे आपको गुस्सा नहीं करना है। जैसे कि हम रात को हम सोने के लिए जा रहे हैं और उसी वक्त हमने झगड़ा करके हम सोने के लिए जा रहे हैं, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उसका बहुत निगेटिव प्रभाव होता है। जैसे हम कहते हैं कि ना कि हम रात को सोने से पहले हम अल्फा अवस्था में जाना चाहिए और वहाँ अच्छी प्रोग्रामिंग करने के बाद में खुद के ऊपर लोगों को माफ़ करना, क्षमा करना, अफर्मेशन कहना, ये सब ग्रेटिट्यूड पोस्चर में जाकर ये सब क्रिया करके हम नींद में जाना है। और अगर हम गुस्सा करके जा रहे हैं तो हम ये सब कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, उसी की फीलिंग लेके जाएंगे और मन में अलग अलग विचार आपके होने वाले हैं। और वो जब हम लेकर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, नेचुरल में हम जो बातें करते हैं वो न्यूट्रल हवा में निकल जाते हैं, पर जब हम मन से गुस्सा करते उसके ऊपर ज़्यादा आपका मन बहुत फोकस हो जाता है वहाँ। जैसे कि सूरज की गर्मी है वह नीचे आ रहे हैं तो सब जल रहा है क्या? नहीं, हम उसको आग भी लगा सकते हैं, कांच के नीचे से उसको आग भी लग सकती है। तो ये ऐसा ही है, गुस्से के टाइम हम एकाग्र होते हैं और वो बातें सुनते हैं और उसके वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग प्रोग्रामिंग बन जाती है और वही प्रोग्राम लेकर हम सुबह उठते हैं और हम गलत गलत काम करने लगते हैं। आप देखिए ऐसा ही होता है। दूसरी जगह है, आपको गुस्सा नहीं करना है, जब हम खाना खाने को बैठे हैं तभी हमें गुस्सा नहीं करना है। हम खाना खा रहे हैं जब गुस्सा वहाँ करते हैं तो वो खाना आपका विष बन जाता है, इतना याद रखिए। हमारे सनातन संस्कृति में बताया है कि अन्न ही है पूर्ण ब्रह्म है। जो मासारू इमोटो है उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है, वाटर के ऊपर ज़्यादा काम किया है। हम जो खाना होता है इसमें मैक्सिमम वाटर होता है, तो जब हम उसको भावना देते हैं तो वहाँ के क्रिस्टल्स बिगड़ जाते हैं और वही खाना हम खाते हैं। देखिए, हम गुस्सा कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पहला होता है, हमारा सांसों की गति बढ़ती है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारा रक्त प्रवाह भी बढ़ रहा है और हम खाना भी खा रहे हैं तो खाना का जो जूसेस हमको मिलना चाहिए अच्छा तो अच्छा है, कुछ नहीं मिल रहा है, वैसे नेगेटिव ही मिल रहा है। हम ऐसा खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत सारी बीमारियां लेके आते हैं। इसलिए कभी भी हमें खाना खाने के टाइम गुस्सा नहीं करना है। तीसरा है, जब हम घर के बाहर जा रहे हैं तो कभी गुस्सा करके बाहर नहीं जाना है। तो क्या होता है कि हम गुस्सा से हम बाहर जाते हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चल के जा रहे हैं या किधर जा रहे हैं, हमारा मोशन वही रहता है। वहाँ आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, खुद गिर सकते हैं या लोगों के पास जाने के बाद वहाँ झगड़ा कर सकते हैं, ऐसी बातें होती हैं, आप बहुत अनकंफर्ट फील कर सकते हैं, ऐसा होता है। वापस जब हम घर के अंदर आ रहे हैं, चौथा जो टिक्स है, जब घर के अंदर आ रहे तो गुस्से से नहीं आना है। गुस्से से अंदर आते हैं घर के सदस्य आपको राह देख रहे हैं और आप उनसे बात करने वाले हैं और आप गुस्से से जा रहे हैं तो वहाँ का वाइब्रेशन थोड़ा ख़राब हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो कभी भी वो टाइम भी कभी गुस्सा नहीं करना है। जो 5वां जो है, आपके पत्नी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना है।
याद रखिए, क्योंकि आपको बिल्ड करने वाली वही है। क्योंकि वो जब गुस्सा होगी तो वो दिमाग में उनके वही रहता है, क्योंकि जो नारी है, शक्ति है, वो ज़्यादा माइंड को बहुत इम्पोर्टेंट दिया है। ये सनातन संस्कृत में कहा है कि वो नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और शिव श्रद्धा में कहा है कि 90% शक्ति उसके पास है, उसको सिर्फ 10% ही देना है और वो 100% होने वाली है। और उसने खुद के ऊपर एक अलग टाइप का बर्डन लिया है, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, क्या बर्डन लिया आप वीडियो देख सकते हैं। जब उनके ऊपर गुस्सा करते हैं तो वो मन में वही सोचती रहती है, वैसे वो खाना बना रही है, वैसे बच्चों को पाल रही है, बच्चे उसके ऊपर गुस्सा कर रही है, और उधर का वाइब्रेशन देखो पूरा ख़राब हो जाता है। दिन रात वही समझो उसको चपाती बना रही है, रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, आप देखेंगे तो सब वाइब्रेशन वहाँ फेंक रही है। इसलिए पांच लोगों के साथ कभी भी गुस्सा नहीं करना है। तो याद रखिए दोस्तों, देखिए इसको फॉलो कीजिए, ये सिंपल स्टॉस टेक्निक्स मैंने आपको दिया है, पांच लोगों को कभी कर सकते हैं। कुछ डिफिकल्ट है ऐसा मुझे नहीं लगता, तो ये आप सब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new videos.